अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? इस उम्मीद से कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो देखने से स्टार्ट से ही आपको पता तो चल रहा होगा कि मैं घर से बाहर हूँ, क्योंकि जी हाँ, आज का व्लॉग आपको मिलेगा मेरे घर से बाहर का, क्योंकि आज हम आए हुए हैं फ़न फेयर पे। और फ़न फेयर पे जी हमारा नाइट टाइम जो होता है बहुत ही मतलब ज़बरदस्त सा फंक्शन होता है, और हम आते ही फ़न फेयर पे नाइट पे ही है, क्योंकि ये वैसे तो ओपनिंग इसकी जो होती है वो डे में हो जाती है, बट हम लोग नाइट में ही आते हैं। तो अब यहाँ पे जी मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के साथ फ़न फेयर पे, और ये जो है जिस जगह पे हमारे सेट किया गया ये उसकी एंट्रेंस है जाते हुए, आप भी देखिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो जी हम आ चुके हैं अब फ़न फेयर पे। अब यहाँ पे जी हम जा रहे हैं आगे की तरफ, और ये जो यहाँ पे फ़न फेयर का इस दफ़ा हमारी थीम थी, हर बार मतलब इनकी थीम चेंज होती है, इस बार किसी नॉवल के ऊपर इन्होंने थीम रखी हुई थी, तो वो नॉवल के जिस तरह नॉवल है उसी लिहाज से इसकी थीम को मतलब उन्होंने सेटिंग की हुई है। तो जो आप भी चलिए मेरे साथ और देखिए यहाँ पे किस तरह की सेटिंग्स हुई हुई हैं और किस तरह लोग इन्जॉय कर रहे हैं, तो आप भी देखिएगा। तो जी पहले मैं आपको घूम के सारा मतलब पूरा इसका व्यू दिखाऊंगी, पूरा ओवरऑल के किस तरह से सेटिंग्स हैं और क्या क्या यहाँ पे है, तो आप भी रहिए मेरे साथ और देखिए। लेकिन उससे पहले कि जी मैं अब आगे की तरफ बढ़ूँ, मेरे जो बच्चे हैं उनको जी बहुत शदीद किस्म की भूख लग रही है, तो बस अब जी मैं उनके लिए पहले ढूँढूँगी कि उन्होंने उनकी फरमाइश है कि अभी पहले पहले उन्होंने शवारमा खाना है। तो चलिए देखते हैं कि शवारमा का जो है स्टॉल वो कहाँ पे लगा है, और पहले मैं अपने बच्चों को कुछ मतलब उनको खाने के लिए लेके दूँगी, और उसके बाद मैं आगे से हम लोग वीडियो को मतलब आगे मैं उसकी देखूंगी बनाऊंगी। तो जी फाइनली हम पहुंच चुके थे शवारमा वाले स्टॉल पे, और वहां से पहले मैंने अपने बच्चों को शवारमा बाय करके दिया। अब बच्चे अपना शवारमा खाने में और घूमने में बिजी हैं, तो साथ साथ मैं भी सारा इसका शूट ले रही हूँ। और आज के जो वीडियो है इसमें मैं वॉइस ओवर्स तो हम मतलब मैं हर बार ही करती हूँ, बट इस दफ़ा मैंने सोचा कि आपको कुछ ओरिजिनल्स जो इसकी मतलब वहाँ पे जैसे है फंक्शन की वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कि मैं उस वॉइस ओवर कम ही करूँ और बाकी जिस तरह से यहाँ पर है वो सारा आपके साथ शेयर करती हूँ। और जी सामने ये सिटिंग एरिया बनाया हुआ है और बहुत ही प्यारा तरीके से सेटिंग की हुई है, टेबल्स और चेयर्स लगाई हुई हैं, आपके मतलब आप बैठें अपनी फैमिलीज के साथ अपना मील लेके एंजॉय करें इधर जो भी चीज़ है, या मतलब जैसे बच्चे तो माशाल्लाह से घूमते हैं और खुशी से फिरते हैं, तो बट बड़ों के बैठने के लिए फैमिली की जगह बहुत ही ज़बरदस्त बनाई हुई है। और सामने जी उसके बिल्कुल सिटिंग एरिया के सामने ही स्टेज बनाया गया है, और आज आपको वीडियो में मैं नज़र आऊँगी, क्योंकि आज मेरी वीडियो शूट करने वाला मेरा पूरा व्लॉग शूट करने वाली महनूर है, थैंक्स टू महनूर। और जी इस बार मुझे इतना ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ नहीं थे, तो बस बच्चों ने जाना था और बच्चों को मैं अकेला भेज नहीं सकती थी, तो जाना मेरा मतलब मस्ट था, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा इंजॉय नहीं किया जितना मैं उनके साथ करती हूँ। देखा ऐसे होता है लोड डबल। Yeah.
यहाँ पे जी अब हम स्टॉल्स पे जाकर चीज़ें चेक करें कि चीज़ें मतलब अंदर क्या क्या लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे फन फेयर पे आपको पता ही है खाने की चीज़ों की बहुत ही ज़बरदस्ती मतलब होती है, वैरायटी होती है, और आप मतलब हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है बट महंगी बहुत होती है। यहाँ पे जी हम आ चुके हैं ज्वेलरी वाले स्टॉल पे, और ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी, तो ये वाली जो बैंगल्स हैं ये हमने पसंद की थी, तो अब इसके ऊपर जी हमारे उसके साथ बहस चल रही है, और काफ़ी ज़्यादा बहस के बाद जाके फाइनली जो प्राइस मैं उसे कह रही थी उस प्राइस में ही मैंने बाय कर लिया। साथ में ये ब्रेसलेट वगैरह देख रही थी मैं, तो बस इस तरह जैसे लेडीज़ के होती है अभी ज्वेलरी पसंद है तो बस ज्वेलरी बाय करनी है, और ज़्यादा कुछ मैंने बाय नहीं किया था, बस ये थोड़ी सी ज्वेलरी थी जो मैंने अपने लिए बाय की और अपनी फ्रेंड को लेके दी, तो बस इसी तरह था। और यहाँ पे मैं अपने व्लॉग का करूँगी एंड आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें।